एलपीजी की कीमतों में होगी 100 रुपए की कटौती, पीएम मोदी ने किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए एलपीजी की कीमतों में 100 रुपए की कटौती करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की जाएगी। पीएम द्वारा घोषित 100 रुपए की कटौती आज रात से ही लागू हो जाएगी। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि एलपीजी सिलेंडर में की गई इस कटौती का उद्देश्य न केवल रसोई गैस की किफायती बनाना है, बल्कि सभी परिवारों के समग्र भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण में योगदान करना है। उज्ज्वला स्कीम पर मार्च 2025 तक मिलेगी सब्सिडी, एलपीजी पर मिलते हैं 300 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उज्ज्वला योजना पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सब्सिडी को मार्च 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी एक और वर्ष तक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले इस कदम को एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। मधुमक्खी पालन में कुल लागत का 90% सब्सिडी दे रही है ये सरकार। बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनकी आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। खास बात यह है कि योजना के तहत राज्य सरकार सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 75% और अनुसूचित जाति को 90% सब्सिडी है वो दे रही है। यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए ज्यादातर रकम सरकार ही दे रही है। इस योजना से बिहार के सैकड़ों लोगों ने फायदा उठाया है। अगर किसान इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उद्यान विभाग की अधिकारिता वेबसाइट पर जाकर आवेदन है वो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई कृषक उन्नति योजना किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए देगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को एक योजना शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत धान किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए की लागत सहायता दी जाएगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस संबंध में निर्णय मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए कैबिनेट ने राज्य के किसानों के हित में खरीफ सीजन 2023-24 से उन्नत कृषि योजना लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसे ही किसान साथियों, आप खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद।